श्रवगी आनंद कमल कल्याणम दादा गुरुदेव सभी के सामने विराजमान है। गुरुदेव परम कवि भूषित योगी श्री जगमोहन जी महाराज जिनका जन्मोत्सव कल विजयादशमी जन्म शताब्दी समारोह जो मना रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे आपके सामने हम सभी के सामने विराजमान है। ये सिद्ध योग दरबार है। योग वैसे बहुत व्यापक विषय है और योग से ही यस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति सैषा योग विद्या। ऐसे समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं हम सब लोग। आप देख रहे हैं ऋषिकेश धाम हरिद्वार के पास चंडी पहाड़ समाई धाम सालवन धाम और ये अमृतसर धाम सभी धामों का यहाँ चित्रण चित्रकारों के द्वारा किया गया और गंधर्व लोग के गायन गीत भजन सत्संग करने वाले प्रवचन देने वाले होशियारपुर से भी श्री महाराज जी के गुरु भाई उनके शिष्य परंपरा के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महानुभाव सभी अपने भाव विचारों को लेकर के केवल एकमात्र श्री प्रभु जी व गुरुदेव के गुणानुवाद में लगे हुए हैं और गुरुदेव को बधाई देने आए हैं तो इसी को कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मनः। जब हमारा मन ऐसे गुरुदेव के चरणों में उनके गुणों में लग जाएगा और अन्य विषयों से हट जाएगा तो यही ज्ञान लग गया। इसी को समाधि भी कहते हैं। समाधि समता अवस्था जीवात्मा परमात्मा। हम सभी कौन बैठे हुए जीवात्मा जीव से बंधे हुए हमारी आत्माएं बैठी हुई हैं और हमारे गुरुदेव कहा करते तुम मेरे आत्मा के टुकड़े हो। क्या कहते हैं गुरुदेव तुम सभी मेरे आत्मांश हो तेजांश हो मेरी आत्मा के टुकड़े हो। खुश हो गए जो पुराने पटना वाले कर बोल रहे थे क्योंकि गुरुदेव की वाणी जिन्होंने सुन रखी है वो गुरुदेव की लल्ला रे ध्यान में बैठा करो योगासन किया करो। तो ये कैसा दरबार है ये कैसा सत्संग है यौगिक सत्संग किन गुरुदेव का जन्मोत्सव हो रहा है सिद्ध गुरु का। कल मैंने बताया था जन्म कर्म च मे दिव्यम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनका जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। वो तो सदा ही अजन्मा होते हुए भी अजन्मा माने जिनका जन्म नहीं होता फिर भी उनका जन्मदिवस मना रहे हैं शरीर परिवर्तन कर लेते हैं। एक भजन में बोला करती थी इंसान की खुशबू रहती है इंसान बदलते रहते दरबार लगाने पाया दरबार बदलते। इंसान कौन है गुरुदेव इंसान नहीं वो तो सद्गुरु सत्ता अस्तित्व है शक्ति तत्व है जो स्वरूप आकृति में बदल बदल के योग का प्रचार सिद्ध योग के कल्याण के लिए संसार के कल्याण के लिए समय समय पर अपनी मंडल पर आते रहे। और योग से मैंने कहा योग से सभी विद्याओं की प्राप्ति है। कौन कौन सी विद्या भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या उस परमात्मा को जानने का ज्ञान कैसे होगा योग के द्वारा। समाधि किसको कहते हैं तदेव अर्थमात्र निर्भाषम निर्भाषम स्वरूप शून्य भी समाधि। अब यहाँ बैठे हुए हैं क्या कोई घर की चिंता में लगा हुआ है सब दूर दूर से आए नहीं। तदेव अर्थमात्र निर्भाषम केवल मात्र उन्हीं का गुणानुवाद किया जा रहा है और स्वरूप शून्य में अपना आपा भी हम भूल रहे कि हम क्या हैं उसी को ही समाधि कहते हैं। इस दरबार से
श्री प्रभु जी के चिंतन में सभी लगे हुए हैं। ये प्राप्ति किसी दरबार से हो सकती है, अन्य से नहीं। तो मैं कह रही थी, इस योग को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। जो कुछ भी हम